जिले में अदालती आदेशों की पुलिस द्वारा अनदेखी के चलते लगातार मारपीट और हत्याएं हो रही हैं। ताजा मामला प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में बैनपुर से सामने आया है, जहां विजय बहादुर और शिव प्रसाद चचेरे भाई हैं और दोनों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अदालत में मुकदमे का निर्णय मृतक शिव प्रसाद के पक्ष में आ चुका है। बावजूद इसके बीती 29 तारीख को पुलिसिया संरक्षण में दबंग विजय बहादुर ने शिव प्रसाद के खंडर पर टीन सेट रख लिया, जिसका विरोध करने पर दबंग ने लाठी डंडों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में शिव प्रसाद और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बीती रात शिव प्रसाद की मौत हो गई, तो वहीं बेटा जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से अवैध कब्जे को ढा दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन से पहले भी इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिव प्रसाद की मौत के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में इलाकाई पुलिस के साथ सीओ भी मौके पर पहुंच गए और इस मामले में पुलिस का दावा है कि घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे टीन सेड ये लोग रख दिए थे, जबकि जमीन हम लोगों की है, रात में वो भी 12 बजे के बाद ये लोग रखे थे। वही मेरे चाचा सुबह आए थे मना करने के लिए, तो ये लोग तो उन पे हमला कर दिए, पूरे परिवार पे हमला कर दिए हैं। पूरा परिवार पूरी तरीके से जख्मी में है और चाचा की जान जा चुकी है और मेरा भाई इलाहाबाद में ICU में है, उसकी भी मौत से लड़ रहा है। ये लोग पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, पूरा कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे JCB जो है खड़ी हुई, JCB गांव वालों के मदद से बुलवाई गई, तब ये गिरा। कोई प्रशासन जो अवैध कब्जा था उसको JCB से गड्ढा खुदवाया गया, ये गांव वालों ने मिलके गिराया है। ये दो पक्ष थे, शिव प्रसाद और विजय बहादुर, इन लोगों के बीच में जो है कुछ वाद विवाद था और उसके लिए इन लोगों को मारपीट हुई, जिसमें शिव प्रसाद को जो है वो SRN रेफर कर दिया गया था और वहाँ उनका इलाज हुआ, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जो भी इसमें अभियुक्त थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी कार्रवाई। विवाद क्या था सर? विवाद का अपना विशेष कोई कारण नहीं था, इन लोगों में आपसी पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही हैं, उसी चीज़ों को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद बना हुआ था। जब अवैध कब्जे की बात परिजन बता रहे थे कि कुछ टीन सेट विवादी जमीन पर रखा था, क्या उसको भी जो है ग्रामीणों ने गिराया है? हम लोग तो देर में पहुंचे हैं, आक्रोशित थे ग्रामीण, गिरा दिया उन्होंने।